सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। तो दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के बीएससी फाइनल ईयर का बॉटनी का जो सेकंड पेपर है उसका आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्रम में देखते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट है उसका आंसर नंबर फर्स्ट, जलोद्भिद पादप क्या है। जलोद्भिद पौधों में पाए जाने वाले आंतरिक संरचनात्मक अनुकूलनों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन निबंधात्मक टाइप का है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आपको ये कम से कम 1000 से 1200 शब्दों के मध्य में इसका आंसर रिटर्न करना है। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि बॉटनी का आंसर कैसे लिखें, जिसको आप लोग जाकर देखिए। उसमें आंसर कैसे लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो उसमें मैंने सिनॉप्सिस को अच्छे ढंग से बताया हुआ है। तो वहाँ पे सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं उसका रेफरेंस, अभी मेरे को कई दोस्तों ने मतलब कमेंट करके पूछ रहे थे कि रेफरेंस में ऑथर का नाम, राइटर का नाम क्या लिखें करके। तो उन लोगों से मेरा मतलब कहना ये है कि वो लोग उस वीडियो को जाकर देखें, है ना, जूलॉजी और बॉटनी वाले को। तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि उसका वो क्या है। वहाँ पे मैंने रेफरेंस में बुक का नाम और राइटर का नाम बताया हुआ है। ओके दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग एक बार जाकर वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को एक समझ विकसित होगा कि आंसर को कैसे लिखना है और कैसे लिखना है और उसको सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। फिर एक ही पेज में आप चेकर को बता सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ों को लिखा है और क्या क्या चीज़ों को मेंशन किया और क्या क्या चीज़ों को नहीं लिखा है। तो वो एक बार में समझ जाता है कि हाँ, स्टूडेंट ने इन चीज़ों को लिखा है करके। तो ये तभी हो पाएगा जब आप उस वीडियो को देखेंगे बॉटनी का, जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपने ही चैनल में है और उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखने, उसमें लिखा यह है बॉटनी का आंसर कैसे लिखें। उसको जाकर चेक कीजिए और एक बार देखिए, फिर आप लोगों का एक समझ विकसित होगा कि आंसर कैसे लिखेंगे, तो उस हिसाब से इसको आंसर को लिखते जाइए। वैसे इसमें स्लाइड बाय स्लाइड आंसर आते जा रहा है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए अपने आंसर में। और स्ट्रक्चर वहाँ पर मैंने ये भी बताया कि किसी भी जो डायग्राम वाला पोर्शन होता है उसको कैसे बनाना होता है, तो वो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि डायग्राम को एक्चुअल में कैसा बनाना चाहिए, उसको लेबलेट कैसे करना चाहिए, नामकरण कैसे करना चाहिए, उसको वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है। उस आधार पे आप यहाँ का आंसर लिख सकते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है ना, एक मॉडल है जिसके आधार पर आप लोग ये आंसर रीड कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला यूनिट नंबर 2 है, तो यूनिट 2 का क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, ये अपना क्वेश्चन है। तो पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है उसको हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड आंसर आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग मतलब सिनॉप्सिस बना सकते हैं। तो सिनॉप्सिस के आधार पर इंट्रोडक्शन, फिर उसका आगे का जो भी पॉइंट है, आप लोग पहले एक बार आंसर को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग एक पेज में उसका सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए अलग से एक रफ पेज में, और उसके बाद उसको मुख्य आंसर शीट में मेंशन कीजिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग वो वाली वीडियो जाकर देखेंगे तभी। ओके, कि बॉटनी का आंसर कैसे लिखें, तो इस आधार पे आप लोग आंसर अपना बेटर लिख सकते हैं। तो ये हम लोग उन्हें स्लाइड बाय स्लाइड मतलब आप लोगों के लिए क्रमशः उत्तर को आप लोगों के समक्ष मतलब स्लाइड में बना कर रखे हुए हैं, जो हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा एक अच्छे ही वर्क करके मतलब अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड किए गए हैं आप लोगों को, और क्रमशः इसको अरेंज किया गया है, फिर आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उस आधार पे आप लोग मतलब आंसर लिखते जाइए इसको, जो आ रहा है उस हिसाब से। ओके, तो इस क्रम में दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अपना यूनिट नंबर 3। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यूनिट नंबर 3 में जो क्वेश्चन है, 3 वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष के घास के मैदानों में पाई जाने वाली वनस्पतियों का विवरण दीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। तो उसका आंसर आप लोग देख रहे हो इस प्रकार से मतलब स्लाइड बाय स्लाइड आते जा रहा है। क्योंकि ये 10 नंबर के क्वेश्चन है और निबंधात्मक टाइप का क्वेश्चन है,
तो इसको कम से कम आप लोगों को 1000 से 1200 शब्दों के मध्य के शब्द सीमा में आप लोगों को आंसर रीड करना है। तो इतने क्वेश्चन को मतलब कम से कम 10 पेज में जो आंसर लिखना है उसको आप लोग ऐसे ही नहीं लिखें, इसको मतलब एक व्यवस्थित वर्गीकृत करके लिखें। और ये वर्गीकरण तभी हो पाएगा जब आप लोग इसका रूपरेखा तैयार करेंगे प्रथम पेज में, अर्थात सिनॉप्सिस तैयार करेंगे प्रथम पेपर में। तो निसंदेह आप लोगों को अत्यधिक मार्क्स मिलेंगे इस आंसर में अन्य स्टूडेंट लोगों के की अपेक्षा जो लोग सिनॉप्सिस तैयार नहीं करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही रिकमेंड है कि आप लोग इसका सिनॉप्सिस तैयार कीजिए, उस आधार पे आंसर रीड कीजिए, मतलब राइट कीजिए, है ना। तो ये तभी हो पाएगा दोस्तों आप लोग जब उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो। हाँ, और हम लोगों ने आज एक टास्क मतलब रखा है, वो टास्क ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जितना व्यू हो रहा है उतना ही लाइक हो। तो ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप लोग सपोर्ट करोगे। तो मेरा यही एक आप लोगों से रिकमेंड है कि मतलब पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। हाँ, और दोस्तों इसको मतलब आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ओके। तो बहुत से स्टूडेंट लोगों ने इसको आंसर को मतलब शेयर किए हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये शेयर के माध्यम से अपने दोस्तों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं उनसे भी मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि वे भी मतलब वीडियो को लाइक करें और मतलब अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी अपने अन्य मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में, जितने भी आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो उन सब में प्रसार कर दो, सब में फैला दो, है ना, ताकि जो हम लोग जो टारगेट रखे हैं ना दोस्तों वो मतलब उसको मतलब ये कंप्लीट कर सके, उसको छू सके ये टारगेट को। तो ये टारगेट तभी कंप्लीट होगा जब आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे, ओके। तो ये आ रहा है आप लोगों के सामने जो घास का मैदान वाला जो आंसर है वो आप लोगों के सामने आ रहा है, वो चल रहा है, ओके। ये मतलब फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है, जो पादप रेशे क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक रेशे का उत्पादक पौधों के विवरण दीजिए, उसका आंसर है जो आप लोगों ने देख ही लिया होगा शुरुआत से। तो इसको आप लोग स्लाइड बाय स्लाइड आते जा रहे हैं, उसको पूरा नोट डाउन करना है, और जितने हम लोग स्लाइड दिए हैं उस सभी स्लाइड को आप लोगों को नोट डाउन करना है, क्योंकि आंसर बड़ा है तो ज़्यादा मात्रा में लिखना पड़ेगा ही, क्वांटिटी डालना ही पड़ेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपना यूनिट नंबर फाइव का जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 5 मसाला उत्पादक पौधों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ओके। तो स्पाइस प्रोड्यूसिंग प्लांट है उन लोगों उसका मतलब आप लोगों को डिस्क्राइब देना है। तो पहले इन पांचों मसालेदार पौधों का नाम लिख लेना है, उनके बाद एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते जाना है विथ डायग्राम, इसके डायग्राम बनाने के साथ। बिना डायग्राम के मतलब उसमें उतना मार्क्स नहीं मिलेगा जितना आप लोग सोचते हैं, ओके, जितना मिलना चाहिए। तो आप लोग उसको एक एक प्लांट को पहले नोट डाउन करते जाइए, एक एक प्लांट को कम से कम 2 पेजेस में आंसर कीजिए। तो ऐसे ऐसे 5 पेज है, 5 प्लांट्स हैं, 5 मसालेदार पौधे हैं, तो ये 5 × 2 = 10 पेज में कम्प्लीट हो जाएगा, इतना मोर देन इनफ हो जाएगा, ओके, मोर देन सफिशियंट होगा उतना आंसर। तो हमने जितना स्लाइड बनाए हैं उतने स्लाइड में आप लोग आंसर करते जाइए। तो दोस्तों मैं एक बार और बता दूं कि ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आओ आगे बढ़ें। तो दोस्तों इसको जो हम लोग टारगेट मतलब जो फिक्स किए हैं वो टारगेट तभी प्राप्त हो पाएगा जब आप लोग इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, ओके। तो दोस्तों मतलब हम लोगों ने जो टास्क रखा है कि एक जितना व्यू उतना लाइक, तो पहले तो उस पर ध्यान दीजिए, है ना, और उसको कीजिए। हमारे टीम मेंबर्स ने काफ़ी मतलब मेहनत करके आप लोगों के लिए आंसर मतलब ढूंढ के लाए हैं, है ना, काफ़ी मेहनत लगता है इस सब कार्य में। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि उनको मोटिवेट करने के लिए, हमारे टीम मेंबर्स को मोटिवेशन देने के लिए मतलब आप लोग ये सब हम जो बोल रहे हैं वो सब करें, ये है, ओके। तो ये लास्ट स्लाइड है, देखिए आप लोग आंसर कीजिए। और ये है हमारा चैनल, आओ आगे बढ़ें, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए
हाँ, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे जब भी आएगा तब भी। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।